आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने भारतीय कंपनियों से जीएसटी की दरों में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने को कहा है। पीथमपुर को तहसील बनाने की मांग इसी माह पूरी होगी। प्रदेश में आज से कौमी एकता सप्ताह मनाया जाएगा और इंदौर में राष्ट्रीय सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता का समापन। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त सचिव हसमुख अढ़िया ने कल भारतीय कंपनियों से वस्तु और सेवा कर की दरों में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने को कहा। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता नई दरें जानने के लिए जीएसटी रेट फाइंडर देख सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हर खुदरा व्यापारी को ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उत्पाद पर लिखे अधिकतम खुदरा मूल्य में सभी तरह के कर शामिल हों। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पीथमपुर को आदर्श औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। पीथमपुर को तहसील बनाने की पुरानी मांग को इसी महीने नवंबर में पूरा कर दिया जाएगा। इस संबंध में अगली कैबिनेट बैठक में ही प्रस्ताव पारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान कल धार जिले की औद्योगिक नगरी पीथमपुर में आयोजित अंत्योदय मेला एवं प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के भूमि पूजन कार्यक्रम में विशाल जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने के लिए लघु और कुटीर उद्योगों का जाल बिछाया जाएगा। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के साथ ही 100 करोड़ रुपए का कैपिटल वेंचर फंड बनाया है। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि स्वयं के उद्यम स्थापित कर दूसरों को नौकरी देने वाली मिसाल बने। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि युवा उद्यमियों के सहयोग से प्रदेश को स्टार्टअप कंपनियों का हब बनाया जाएगा। उन्होंने युवा उद्यमियों से अपील की है कि वे अपने बिजनेस आइडिया को खत्म न होने दें। उन्होंने कहा कि सरकार नवाचारी विचार और प्रयासों को वेंचर कैपिटल फंड के माध्यम से प्रोत्साहित करेगी। श्री चौहान कल भोपाल में 2 दिवसीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम और स्वरोजगार सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने युवा उद्यमियों के लिए अधिकारियों से एक हेल्पलाइन बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे उन्हें सभी प्रकार की प्रारंभिक जानकारियां मिल सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 26 नवंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी केंद्रों से प्रसारित किया जाएगा। श्री मोदी ने इसके लिए आमजन से सुझाव मांगे हैं। इसके लिए MyGOV के ओपन फोरम और नरेंद्र मोदी ऐप पर लोग अपने सुझाव और विचार दे सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष के चुनाव कार्यक्रम की मंजूरी के लिए कल कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होगी। पार्टी सूत्रों ने बताया है कि बैठक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की आवाज 10 जनपद पर होगी। कार्य समिति से चुनाव कार्यक्रम की मंजूरी के बाद पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति इसकी अधिसूचना जारी करेगी। हरियाणा में जन्मी मानशी छिल्लर ने मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब जीत लिया है। कल चीन के सानिया में आयोजित फाइनल मुकाबले में 20 वर्षीय मेडिकल छात्रा ने 108 देशों की सुंदरियों को पीछे छोड़कर इस खिताब पर कब्जा किया। ये खिताब 17 सालों के बाद किसी भारतीय ने जीता है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉग इन करें। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन YouTube, Twitter और Facebook पर AIR News भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। प्रदेश में आज से 25 नवंबर तक कौमी एकता सप्ताह मनाया जाएगा। इस अवसर पर प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र लिखकर कहा है कि कौमी एकता सप्ताह विभिन्न सांस्कृतियों और धर्मों के बीच समाज में भाईचारे और विश्वास के मूल्यों को मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि इस मौके पर अलगाववादी ताकतों को स्पष्ट संदेश जाना चाहिए कि कोई भी हमारे सांप्रदायिक सौहार्द के स्वभाव को तोड़ न सके। इस अवसर पर क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय द्वारा अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
पहले दिन आज राष्ट्रीय एकता दिवस के सिलसिले में धर्मनिरपेक्षता और अहिंसा पर बैठकें, गोष्ठी और सम्मेलन आयोजित किए गए हैं। वहीं अन्य दिनों में अल्पसंख्यक कल्याण दिवस, भाषा सद्भावना दिवस, कमजोर वर्ग दिवस और सांस्कृतिक एकता दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 24 नवंबर को महिला दिवस और 25 नवंबर को पर्यावरण संरक्षण के साथ ही सप्ताह का समापन होगा। इंदौर में खेली गई 3 दिवसीय 62वीं सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती स्पर्धा का कल समापन हो गया। स्पर्धा में देश भर के 1,000 से अधिक पहलवानों ने हिस्सा लिया, जिसमें ओलंपियन सुशील कुमार, साक्षी मलिक और फोगाट बहनों के साथ ही हरियाणा के पहलवानों ने अपनी ख्याति के अनुरूप उम्दा प्रदर्शन करते हुए हर वर्ग की चैंपियनशिप अपने नाम की। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक को 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता समीर वर्मा। इंदौर के खेल प्रशाल में खेली गई स्पर्धा में पुरुषों के फ्री स्टाइल वर्ग में हरियाणा 84 अंकों के साथ पहले, रेलवे 78 अंकों के साथ दूसरे तथा सर्विसेज 49 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। पुरुषों के ग्रीको रोमन वर्ग में भी हरियाणा अव्वल रहा, जबकि सर्विसेज को दूसरा और रेलवे को तीसरा स्थान मिला। महिलाओं की जनरल चैंपियनशिप में भी हरियाणा के पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन किया और वो 91 अंकों के साथ प्रथम रहा। कल अंतिम दिन अलग अलग 6 वजन वर्गों के फ्री स्टाइल मुकाबले हुए, जिसमें रेलवे के राहुल अवाने, सुमित जितेंद्र और हरियाणा के अमित धनकर, मौसम खत्री और सोमवीर ने अपने शानदार प्रदर्शन से स्वर्ण पदक हासिल किया। मध्य प्रदेश के रवि बारोड़ और महिला पहलवान रानी राणा कांस्य पदक जीतने में सफल रहे। दोनों पहलवानों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि देश का प्रतिनिधित्व करने वाले मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को शासकीय नौकरी दी जाएगी। प्रादेशिक समाचार के लिए भोपाल से मैं समीर वर्मा। नेहरू युवा केंद्र इंदौर द्वारा जिला स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता में इंदौर जिले के महू, देपालपुर, सावेर और इंदौर ब्लॉक के ही प्रतिभागी हिस्सा ले सकेंगे। भाषण का विषय है एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये प्रतियोगिता जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक आयोजित की जा रही है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत देवास जिले से रामेश्वरम तीर्थ यात्रा के लिए यात्री कल 20 नवंबर को प्रस्थान करेंगे। इसके लिए जिले के 182 तीर्थ यात्रियों का चयन किया गया है। उनके साथ अनुरक्षक भी जाएंगे। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि यात्रियों को परिचय पत्र, यात्रा टिकट वितरण और अन्य व्यवस्था संबंधी कार्यों के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। दमोह जिले के भूरी गांव में वित्त मंत्री जयंत मलैया ने 8.31 करोड़ की लागत से बनाए जाने वाले जलाशय लघु सिंचाई योजना का भूमि पूजन किया। शिवपुरी में शिक्षित बेरोजगार युवक और युवतियों के लिए 21 नवंबर को रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। इस मेले में विभिन्न कंपनियां साक्षात्कार लेकर इन युवक युवतियों को चयनित कर रोजगार उपलब्ध कराने की पहल करेंगी। कटनी में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर कनेक्टिंग टू सर्व राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायत तेवरी में मेगा विधिक साक्षात्कार शिविर और मीडिएशन जागरूकता शिविर आयोजित किया गया है। कपिलधारा हितग्राहियों की कृषि आय दोगुनी करने के उद्देश्य से रायसेन में कृषि विज्ञान केंद्र नकतरा और बेगमगंज जनपद पंचायत द्वारा 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई है। कलेक्टर ने किसानों से आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से खेती करने के साथ ही पशुपालन, मुर्गी पालन और मत्स्य पालन करने के लिए भी कहा। श्योपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 19 हितग्राहियों के विरुद्ध आवास निर्माण के लिए दी गई राशि बैंक से निकालकर निजी कार्य में खर्च करने और आवास निर्माण नहीं करने पर संबंधित पंचायतों के सरपंच और सचिवों को उनके विरुद्ध FIR कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। बैतूल में बोहरा समाज के धर्मगुरु सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब के 4 दिवसीय प्रवास पर आने पर बड़ी संख्या में मौजूद समाज के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना के अंतर्गत कल जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान बड़वानी में जिला स्तरीय लोक नृत्य प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें जिले के विभिन्न विकास खंडों के विद्यालयों से आए दलों ने सहभागिता की। और समर्पण अभियान की प्रशिक्षण कार्यशाला इंदौर के विश्वविद्यालय ऑडिटोरियम में संपन्न हुई। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने भारतीय कंपनियों से GST की दरों में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने को कहा है। पीथमपुर को तहसील बनाने की मांग इसी महीने पूरी होगी।
प्रदेश में आज से कौमी एकता सप्ताह मनाया जाएगा और इंदौर में राष्ट्रीय सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता का समापन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।